सिटी मुंबई, नाशिक रोड रेलवे कोर्ट एंड नंदुरबार. नाउ ही इज एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड इनचार्ज असिस्टेंट डायरेक्टर एट धुळे. ही इज अ रेग्युलर ट्रेनर इन प्रोसिक्यूटर्स ट्रेनिंग्स इन महाराष्ट्र, इन CLEP इन महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी. ही रोट सेव्हरल आर्टिकल्स ऑन क्रिमिनल लॉज. We all must feel proud to know that as a prosecutor, he obtained the highest rate of convictions, that is 89%. And further, I would like to, his convictions never went below 30%. He has mastery over cross-examination of hostile witnesses also. It is pertinent to note that on the basis of his cross-examination, he led to conviction to more than 100 witnesses who were treated as hostile. He is maintaining his good health by performing yogasana, pranayam, sudarshan kriya and other meditations of art of living. Up till now I tried to introduce sir in English, but now I must take help of my matrubhasha and our rajbhasha. 12 वर्षांनी एक तप पूर्ण होत. फौजदारी कायद्याच्या अभ्यासात अशी जवळपास 3 तपश्चर्या करणाऱ्या या ऋषितुल्य व्यक्तिमत्वास आपल्या सर्वांच्या वतीने माझे त्रिवार वंदन. सरांची इंट्रोडक्शन मी दिली आहे, पुढील कार्यक्रम सुरू करा. थँक्यू मॅडम. फॉर टुडेज अवर वेबिनार ऑलरेडी वी हॅव क्रॉस 90 पार्टिसिपेंट इन दी झूम अँड देर आर मोर दॅन 150 spectators in the YouTube also. Especially, I would like to welcome all the prosecutors, all our dear advocates friend, and in especially the Honorable District Judge Sri S.K. Kulkarni sir, who is now at Aurangabad and who was our trainer at UT Nagpur. So also the respectable advocate Sri Arora sir from the Supreme Court. He is also attended and he has joined the Zoom today. I, on behalf of our all the prosecutors of Maharashtra, welcome to the Honorable S.K. Kulkarni sir and Sri Arora sir. Thank you, sir. Sir, you please start. Shingada sir, you please start your lecture. Yes, namaskar. Kali maine mannya. आज सुबह ही, कल नहीं, आज सुबह ही अशोक अरोरा सर से कहा था कि आप मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे, और आज वो इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मैं उनके बारे में क्या कहूँ, इसके कुलकर्णी सर है, ये वो सब हस्तियां है कि जिनसे मैं हमेशा सीखता रहा हूं, और आज भी मैं कुछ गलतियां करूंगा और उनसे सीखूंगा. मुझे पता है, मैंने आई वेंट थ्रू द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑन जूम. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मुझे पता है कि हिंदी भाषी है जो मराठी नहीं समझेंगे, तो मेरा संवाद में कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी, कुछ मराठी ऐसे चलता रहेगा. चिट चैट सेशन समझेंगे हम इसे. आज गणेश चतुर्थी है. गणेश चतुर्थी के दिन इस प्रकार की मीटिंग में कि जो कंपलसरी नहीं है, उसमें आप इतनी संख्या में सब उपस्थित रहें, मैं आपका ऋणी रहूंगा. गणेश चतुर्थी की, गणेशोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज बहुत दिनों से हमारे प्रोसिक्यूटर्स चंद्रशेखर पाटिल, मिलिंद दातरंगे, गोपीचंद खाड़े, अवधूत भावसार, अनिल वर्मा, किसका नाम लो और किसका नहीं, जिन्होंने इस पैंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया. हमारे रेगुलर जिसे ट्रेनिंग कहते हैं, वो रेगुलरली होते थे कि जिसमें हर 2 साल के बाद एक एक व्यक्ति का नंबर लगता था. यहाँ पर कोई सप्ताह ऐसा नहीं जा रहा है
कि हम इकट्ठा नहीं आ रहे हैं। फारूक भाई शेख जो प्रोसिक्यूशन में मेरा आदर्श रहे हैं और इंडिया के पहले लीगल एड डिफेंस काउंसिल नियुक्त हुए है नासिक में, इंडिया के पहले, वो भी यहां पर जुड़े हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। या आपल्या वेबिनार मध्ये शिरीष अत्रे सर, जिला न्यायाधीश ठाके सर, ऑनरेबल एडवोकेट धवज सर यांनी आपलं मार्गदर्शन या आधी केलेलं आहे। आपल्या कॅडर मधले दातरंगे साहेब, शिवाय पाटील साहेब, माझा मित्र गोपी व्यवहारे साहेब, जगपती मॅडम, कदम साहेब चौधरी, मोतीलालजी चौधरी, अनिल वर्मा, या सर्वांनी आपापले आपापली भूमिका बजावली आहे, आपापलं योगदान दिलेलं आहे। आज आपण ज्या विषयावर, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एविडेंस एक्ट की क्लास है, मुझे लगता भी नहीं और है भी नहीं। कल जब परसों ये विषय तय हुआ कि एविडेंस एक्ट के बारे में कुछ एविडेंस के बारे में बात करेंगे, तो कुछ हमारे अभियोक्ताओं ने मुझे फोन करके कहा कि सर बहुत दिनों से एविडेंस चल रहा है, तो कुछ चेंज करिए, एविडेंस तो बहुत दिनों से चल रहा है। तो मुझे बस, कभी मैंने किसी भागवत सप्ताह में वगैरह किसी वक्ता के मुंह से सुना था, वो उक्ति मुझे याद आ गई। वो ऐसी थी, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि भी अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है। ये मुझे इसलिए याद आया कि जैसे देखा जाए तो एविडेंस भी अनंत ही है ना, एविडेंस का क्या अंत हो सकता है। और बार बार ऐसा कहा जाता है कि एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट्स नहीं करने पड़े हैं, इतना वो परफेक्ट है, फिर भी कोई क्लेम नहीं कर पाता है कि मैं एविडेंस एक्ट का मास्टर हूं। अगर कोई क्लेम करे तो भी मुझे नहीं पता कितने लोग उस क्लेम को मान्य करेंगे। फिर भी इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम वो रास्ता छोड़ दें, है ना, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे। तो आगे चल के और एक वैसे ही उक्ति याद आई, जो बजे रे हरि को सदा वही परम पद पाएगा। ये क्यों याद आया? ये भी इसीलिए याद आया कि अगर एविडेंस ये अनंत है तो फिर उसमें हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, बारंबार उसे भजने से, भजना यानी डिस्कस करना, पढ़ना, उसका प्रयोग करना। तो बस ये वही सिलसिला चल रहा है जिस सिलसिले में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। ये कोविड का जो मामला है उसमें से एक ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी बनाया है हमारे प्रोसिक्यूटर्स ने, सभी ने, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं वो सब। और अब मैं मेरे विषय की तरफ आगे बढ़ूं तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि कभी कभी हमने अपने जी को यूं भी बहलाया है, कभी कभी हमने अपने जी को यूं भी बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे गैरों को समझाया है। तो देखो, एडवोकेसी इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग है ना, इसमें कोई कह नहीं सकता कि मैंने समझ लिया। और अगर समझ नहीं लिया है तो प्रोसेस चल रही है। One who is cocksure that he has arrived is ready for return journey, ऐसा कहते हैं। तो ये तो एक एडवोकेसी तो एक अनंत यात्रा ही होती है, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। तो बस आज इस माध्यम से मैं बहुत कुछ सीखने की उम्मीद के साथ आया हूं। मैं कुछ समझ नहीं गया हूं, मुझे समझा नहीं है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा भी कहते हैं कि जो समझ गए वो तो हिमालय में चले गए, हम तो गए नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम समझे नहीं है, हमारी समझने की प्रक्रिया चल रही है, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो अभी एविडेंस को अनंत क्यों कह रहा हूं मैं, तो लोकशाही की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, बहुत सारी, उसमें से एक छोटी सी व्याख्या है, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ लॉ। ऐसी डेमोक्रेसी की हम कल्पना कर सकते हैं क्या?
जहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिथे न्याय नहीं मिलत लोग करना, न्याय नहीं मिल रहा है, क्या ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, न्याय नहीं मिल रहा है, तो डेमोक्रेसी कहलाएगी नहीं कहलाएगी? डेमोक्रेसी यानी किसी व्यक्ति का शासन नहीं, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ लॉ, कायदे का शासन, विधि का शासन। और विधि का शासन है ये कब कहा जाए? जब लोगों को न्याय मिले। लोग आतताई प्रवृत्तियां करने से डरे, दैट इज रूल ऑफ लॉ। और ये न्याय कब मिले, किस बिना पर, किस आधार पर न्याय मिल सकता है? तो केवल और केवल एविडेंस के आधार पर। तो मैं ये कहूंगा कि विदाउट एविडेंस देर कैन नॉट बी जस्टिस, विदाउट जस्टिस देर कैन नॉट बी रूल ऑफ लॉ, एंड इफ देर इज नो रूल ऑफ लॉ देर कैन नॉट बी डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी की नींव जो है वो एविडेंस है, और एविडेंस की जो एक गजल में एक छोटा सा शेर है, वो आधा ही कहूंगा मैं, वो ऐसा है, सच बढ़े या घटे, सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे, उसमें कुछ मिलाकर बढ़ाया जाए तो भी वो सच नहीं रहा, उसमें से कुछ निकाल भी लिया जाए तो वो सच नहीं रहा। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इम्तिहान नहीं। सच की ये इम्तिहान है, झूठ की तो कोई इम्तिहान नहीं है। और ऐसा कहते हैं कि हमारी ये सब पूरी न्याय प्रक्रिया चल रही है ना, ये असर्टेनमेंट ऑफ ट्रूथ के लिए है। हालांकि ट्रूथ ये शब्द कहीं पर इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रयोग नहीं हुआ है, वहां फैक्ट फाइंडिंग की ही बात है। मैं किसी ऐसे देश का उदाहरण हम अगर लें कि जहां पर सिर्फ आज का हमारा जो विषय है वो क्रिमिनल ट्रायल से जुड़ा हुआ है, और उसे भी मैं लिमिट करना चाहूंगा कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के बारे में। तो ऐसा कोई देश है कि जहां पर गुनाह के 100 मामलों में से 10 ही न्यायालय तक पहुंचते हैं, और उन 10 में से एक कन्विक्ट होता है? ऐसे कहने को तो ये कहा जाए कि उस देश में रेट ऑफ कन्विक्शन वो 10% है, मगर हकीकत तो यह है कि गुनाह करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति कन्विक्ट हो रहा है और 99% लोग बाहर घूम रहे हैं। तो मुझे कहिए कि उस देश की जो भी स्थिति है वो डेमोक्रेटिक है ऐसा कहा जाएगा क्या? वहां रूल ऑफ लॉ है ऐसा कहा जाएगा? मुझे नहीं लगता कि कहा जाएगा। मुझे लगता है कि हम सबको एज ए नेशन इस पर विचार करना पड़ेगा। एज ए प्रोसिक्यूटर नहीं बोल रहा हूं, मैं एज ए नागरिक बात कर रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सालों पहले कह दिया है गुरबचन सिंह के केस में, एक दो लाइन है जिसे मैं पढ़ लूं, बहुत ही जो बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में कहते होकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरबचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट 209 ये कहा कि एग्जगरेटेड डिवोशन टू द रूल ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट मस्ट नॉट नर्चर फैंसीफुल डाउट्स और लिंगरिंग सस्पिशंस एंड thereby डिस्ट्रॉय said डिफेंस। Justice cannot be made sterile on the plea that it is better to let 100 guilty escape than punish an innocent. Full stop. Letting guilty escape is not doing justice according to law. देखिए, ये क्रिमिनल ट्रायल चलना ये कोई जय पराजय का मामला नहीं है, ये कोई स्पर्धा नहीं है, है ना? यहां पर क्या कहा है कि एक भी गुनहगार छूट जाए तो जस्टिस नहीं है, जस्टिस नहीं है। ये जय पराजय से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये लोकशाही के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई बात है।
मैं जरा भी नहीं चाहता और जरा भी नहीं अपेक्षा करता कि डिफेंस लॉयर ने कन्विक्शन में मदद करनी चाहिए. नो, जरा भी नहीं, ये उनकी भूमिका नहीं है, नहीं है. मगर हम सब की जो चार पहिए है, एविडेंस से रिलेटेड जो चार पहिए है, हम सबकी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. चार पहिए कौन से है? एविडेंस जुटाने का काम कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस का है, इन्वेस्टिगेटर्स का है. उसीलिए बने हैं वो, उसीलिए बने हैं. उसे अच्छे से पेश करना वो काम प्रोसिक्यूटर का है, उसीलिए बने हैं वो. जो प्रोसिक्यूटर ने पेश किया है उसका पोस्टमार्टम करके उसमें कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, ये सामने लाने का काम डिफेंस लॉयर का है. और सबूतों को इंटरप्रेट करके अगर ये तीन में से कोई भी अपनी भूमिका में पीछे रहा है तो कोर्ट्स आर नॉट हैंडीकैप्ड. हम उन पर भी जाएंगे, उन प्रोविजंस पर भी जाएंगे. कोर्ट्स आर नॉट मेड ए हैंडी, कोर्ट्स आर सुप्रीम. द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ जस्टिस लाइज अपॉन द शोल्डर्स ऑफ द कोर्ट्स. ये उनकी अंतिम जिम्मेदारी है, तो उन्हें उतना सक्षम भी बनाया गया है. ये कोई फाउल प्ले करे, प्रोसिक्यूटर कहे कि ये एविडेंस ही मैं लीड नहीं करूंगा, है ना, हैंड इन हैंड जा रहे हैं, तो कोर्ट मियर स्पेक्टेटर बन के नहीं बैठेगा. लोग बाहर से आए गवाही देने के लिए, तय करके मैं कहूंगा मुझे कुछ पता नहीं है. प्रोसिक्यूटर भी कोई छानबीन नहीं कर रहा है जो उससे अपेक्षित है. कोर्ट शुड नॉट बी स्पेक्टेटर. सुप्रीम कोर्ट ने कितने प्रोनाउंसमेंट्स में ये कहा है, ज़हीरा शेख वाले केस तो सभी के मुंह पाट है कि नहीं नहीं कोर्ट ऐसी भूमिका नहीं निभाएगा. नहीं नहीं, ये अपेक्षित ही नहीं है, अपेक्षित भी नहीं है और विधि संगत भी नहीं है. हम चारों विंग्स ने अभी इकट्ठा आकर ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम, अब देखो हम किसी के भी एजेंट नहीं हो सकते. एक इन्वेस्टिगेटर है, उसका कतई ये काम नहीं है कि बाय हुक और क्रुक वो एफआईआर को जस्टिफाई करे, ये उसका काम नहीं है. इन्वेस्टिगेशन का अर्थ ही यही है कि वो जांच पड़ताल करे कि ये जो रिपोर्ट यहां लिखवाई गई उसमें तथ्य है कि नहीं. दैट इज इन्वेस्टिगेशन, दैट इज इन्वेस्टिगेशन. उसका ये जरा भी काम नहीं है कि वो एफआईआर को प्रूव करने के लिए कुछ करे, बिकॉज इन्वेस्टिगेटर्स आर देयर फॉर कलेक्टिंग द एविडेंस, नॉट फॉर क्रिएटिंग द एविडेंस, नॉट फॉर क्रिएटिंग द, क्योंकि क्रिएटिंग द एविडेंस इज फैब्रिकेशन एंड फैब्रिकेशन इज अ पनिशेबल ऑफेंस, जो उनका काम ही नहीं है. कुछ बड़े या घटे जो हमने बात कही वही बात, न उनका काम है कुछ क्रिएट करना, न है कुछ डिस्ट्रॉय करना. 201 आईपीसी है ना, उनका बस काम इतना ही है कि ये जांच पड़ताल करना कि ये ऐसा जो रिपोर्ट किया गया है वैसा हुआ है क्या नहीं. आज हम जो बात करेंगे ज्यादातर हम एविडेंस कलेक्शन और इन्वेस्टिगेटर की भूमिका उसके बारे में आज हम बात करेंगे. इतनी छूट इन्वेस्टिगेटर को है, अगर हम बॉम्बे हाईकोर्ट का क्रिमिनल मैन्युअल देखें तो उसके अंदर समरीज की प्रोविजन है, इफ द एक्यूज इज नॉट फाउंड the case offense will be classified as a summary and it will be kept pending for investigation. If the report is found false during the investigation, if the report is found false, then there is provision of B summary. And out of some misunderstanding, the matter was reported as offense. During the investigation, the misunderstanding was removed and the offense is classified as C summary.
There is also accident summary. Accident is no offense. Offense was registered, but during the investigation, the act complaint was found accidental. What I am submitting is, there is no burden upon the IO, the investigator, police department, to justify the FIR. If this is done, and if it is done 100%, there will be better situation. The situation was not good enough, and therefore, in the judgment of Kishan Bhai versus State of Gujarat, Honorable Supreme Court gave direction about scrutiny of the investigating papers before submitting to the court. This has been directed by Honorable Supreme Court, and it is being done in some of the states. How fruitful it is, how practicable it is, maybe a topic of separate, independent discussion. But fact is this, that at that level, expertise is required. Help of experts is required. Now, so far as all we are talking is of evidence. Evidence is defined under Indian Evidence Act. If the plain reading of the definition makes it clear that there are ample powers given to the court. Evidence means and includes, one, all statements which the court permits or requires. Permits in somebody is intending to produce and court is permitting. Requires means nobody is producing, but court finds its production necessary, hence court requires. All statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Jo court permit karega wo. Iska matlab court kuch bhi not permitted bhi kar sakta hai kya? यहां तो ऐसा दिख रहा है, देखेंगे आगे क्या है। टू, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। नाउ टू असर्टेन वेदर देर आर अनकंट्रोल्ड पावर्स गिवन टू द कोर्ट, वी हैव टू गो टू द डेफिनेशन ऑफ टर्म प्रूव्ड इन द सेम सेक्शन. Term proved is defined. A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist इतना पढ़ने पर इतना ये क्लियर होगा कि ऐसी हर बात कि जो कोर्ट को बिलीफ तक ले जाए, इस विश्वास तक ले जाए कि ऐसी ऐसी बात, ऐसी ऐसी घटना, ऐसी ऐसी फैक्ट अस्तित्व में है, उस बिलीफ तक लेके जाने वाली हर बात को कोर्ट परमिट करेगा. और कंसिडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन ऑट अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस टू एक्ट अपॉन द सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट. या सर्वसाधारण बुद्धिमत्ता का, विवेक का मनुष्य उस परिस्थिति में ये मानेगा कि ऐसा हुआ होगा, तो कोर्ट भी मानेगा कि ऐसा हुआ होगा. तो कोर्ट को या तो बिलीफ तक या सपोजिशन तक लेके जाने वाली हर बात जो है, दैट विल बी एविडेंस. कोर्ट उसे कर्टेल नहीं करेगा. दो एविडेंस की डेफिनेशन में ऐसा लिखा है कि वॉट एवर इज परमिटेड बाय द कोर्ट और रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट इज एविडेंस, बट वॉट विल बी रिक्वायर्ड एंड वॉट विल बी परमिटेड is made clear by the definition of term proved. क्योंकि ये दो के आधार पर ही कोई बात proved है या not proved है या disproved है, वहां तक जाया जाएगा. तो जो जो बात, जो जो fact court को
इस बिलीफ तक ले जाए कि इट एग्जिस्ट्स शैल बी परमिटेड बाय द कोर्ट और इट लीड्स टू द कोर्ट टू द सपोजिशन दैट इट वुड हैव शुड हैव एग्जिस्टेड कोर्ट शैल परमिट इट नाउ सो फार एज गिविंग ऑफ द एविडेंस इज कंसर्न Giving of the evidence mainly is the job of investigator and the prosecutor in criminal trials of cognizable offences. It is job of these two things. Now, again, with evidence, with the definition of evidence, we have to read Section 5 of Evidence Act. Evidence may be given of facts in issue and relevant facts. Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are herein after declared to be relevant and of no others. And of no others. Ek to fact in issue, cases of murder, then whether A inflicted sequel blows on the head of B with the intention of causing his death. This will be the fact in issue. This will be the और बाकी जो भी बातें उसे सुसंगत होगी ये सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं वो सभी है वो relevant fact है केवल और relevant facts भी clearly defined करके दिए हैं उसकी यादी उसके list 5 to 55 of Evidence Act में दे दी है तो so far as today we are concerned with कलेक्शन ऑफ एविडेंस बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी यहां पर जुड़े हुए हैं उनका यह भी कहना था कि ये गणपति बंदोबस्त में नहीं रखना चाहिए था ठीक है हमने कहा कि हम बाद में फिर से रखेंगे मगर जो जुड़े हैं ऐसा एक माना जाता है कि एविडेंस एक देखना ये किसी का भी काम नहीं है पुलिस समझता है मेरा काम नहीं है पीपी समझता है कि जो पुलिस ने भेजा मैं सिर्फ प्रोड्यूस करना मेरा काम है डिफेंस लॉयर कुछ अलग समझता है ना मगर मैं कहता हूं कि हर कदम कदम पर एविडेंस एक्ट को देखे बिना काम चल ही नहीं सकता गिविंग ऑफ एविडेंस जो एविडेंस 5 में सेक्शन 5 में दिया है व्हाट इज गिविंग ऑफ एविडेंस आई से दैट वी व्हाइल एग्जामिनिंग द विटनेसेस वी आस्क क्वेश्चंस एंड विटनेसेस रिप्लाई द क्वेश्चंस Every reply is given. Every reply is given in evidence. It simply means that every question must relate either to fact in issue or to the relevant fact. If not, then evidence cannot be given. Cannot be given. So the person who collects the evidence, so the person that is the investigator, who collects the evidence must know what is fact in issue and what are the relevant facts. He should collect evidence regarding that only. So far as a rule of best evidence is concerned, I would submit that that rule comes into play when the trial is conducted. So far as collection of evidence is concern the investigator must collect each and every piece material piece of evidence he cannot predict the situation what will happen at the time of which witness is going to support which is not going to support what the results of chemical examination of this article would come of that article would come he cannot presuppose he should collect each and every piece he should not confine himself to the best piece of evidence He should collect each and every piece. And it is at the trial when the duty of giving best evidence will be discharged by the prosecutor. Now, so far as what should be collected by the investigator? There is no list is provided. No list is provided in CRPC or any other enactment that an investigator should collect this. If the offence is under Section 324, this must be there. If it is 379, this must be. It is 302,
he should collect these. No. It is not provided. So still we can get guidance from section 170 of CRPC. It is a report upon completion of investigation, report to magistrate upon completion of investigation. This section 170 deals with that. It says, when he comes to the conclusion that the evidence is sufficient or there are reasonable grounds for forwarding the accused to the magistrate, he shall submit a report. So evidence is sufficient. It is his conclusion. It is his satisfaction, which makes him to forward the accused, to forward the report to the magistrate. It is his satisfaction. Then upon what he should get satisfied? Upon what? Then we can go to section 173 of CRPC. It speaks of final report upon completion of the investigation. A final report should contain names of the parties, nature of information, then names of person who appear to be acquainted with the circumstances of the case. This is guidance for the investigator. He must, during the investigation, ascertain who are the persons who are acquainted with the facts and circumstances of the case. Unless he ascertains that, he cannot make this report. So directly, though there are the list is not provided in section 173, what should he submit along with the final report is provided. So for completing that task, whatever is required shall be the part of the investigation. Then whether the offense appears to have been committed, if so, by whom. Here also freedom is given to the investigator that the offense is not committed. He can make such report, and if he comes to the conclusion that yes, offense appears to have been committed, then by whom? Here again the freedom is with the investigator. Not necessary that the person named as accused in the FIR should be charge sheeted. Not necessary. Why this freedom is given? Because all this exercise is for ascertaining the truth, not for supporting, not for justifying the allegations made by the informant. It is not for that. The freedom for that purpose is given to the investigator. Thereafter, whether the accused was arrested, these, that. And the statements under section 161 should also accompany the report under section 173. It is very important to note, friends, of 5A of 173. Many times during the remand applications hearing, investigating officers produce some documents in support of his prayer, and a question is being discussed in the court, whether it can be looked into, whether it can be received, whether it can be accepted at this stage. And sometimes it is decided like this, sometimes like that. Here it is very clear, friends. When such a report in respect of case to which section 170 applies, means there is evidence, the police officer shall forward the magistrate along with the report all documents or relevant extracts thereof on which the prosecution proposes to rely other than those already sent to the magistrate during the investigation. It is very clear, even during the investigations, documents or its extracts can be submitted by the investigator to the court. Very clear it is, because at each and every stage, every order, remand order, bail order, return of property order, every order or final verdict, every order is part of justice.
submitting or ordering police custody for 1 day, 2 day, 14 days, whatever, should be a result of judicial thinking, judicial appreciation, should be. If it is in the interest of justice, then only it should be given, the PCR should be given. If not, it should be refused. And for that, court will require the material. Court will require the material. And 167.5A makes it clear that it can be, the material can be provided to the court even before filing the final report under section 173 of CRPC. Now, friends, this gives guidance. This gives guidance to the investigator. What should he do during the investigation? Now, how? What should he collect? How should he collect? He will collect oral evidence as well as he will collect evidence in the form of properties, things, documents. The vast, I would say, powers as well as the responsibilities are upon the investigators. And there are ample provisions in the CRPC itself. For example, section 91, if he wants to collect, if he wants the production of any document or other thing for the purpose of investigation, he can order the person in whose possession the property is or maybe. He can order him in writing. Same section gives same power to the court, but when court requires the production of such thing or order other thing, court shall issue the summons, whereas the police officer investigating the matter shall give a written order. It is section 99. How should he collect? Even there are provisions for search warrant in 93, about seizure of stolen properties 94, search of persons. He can allow others to search. Any property can be seized under section 102, which has connection with the investigation, even by a police constable. CRPC is very clear. Section 102 reads like this. Only relevant portion I would like to draw your attention. 102 of CRPC, power of police officer to seize certain property. Any police officer, so far as Maharashtra Police Act is concerned, police officer is defined, and even constable is a police officer. Any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen, or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense. Any offense. Stolen or has connection with commission of any offense. Any police officer, such police officer, if subordinate to the officer in charge of police station, shall forthwith report the seizure to that officer. If he is constable, he should report that matter to his police station in charge. Or anybody who is subordinate to police station in charge can seize such property and should report it to the police officer, police station in charge. So it is my submission, 103, 105, 104. All these provisions are instruments in the hands of police for discharging their duties of investigation effectively. Now let us see what is the definition of investigation. It is given in section 2H of CRPC. Very investigation includes means nahi likha hai, includes
Investigation includes all the proceedings under this code for the collection of evidence conducted by police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf. All the proceedings under this code is investigation, but it should be for the collection of evidence. Whenever any proceeding under this code is conducted by a police officer for the purpose of collection of evidence, then it is investigation. It is evidence may be in many forms. In many forms. Now, in the era of this electronics, the police officers are being trained in that regard also. They are supposed to collect that evidence also. So they cannot have any defense that I didn't know about that. They cannot have. Everything for collection of evidence, whatever he does under this code is investigation. He has to collect the evidence. Thereafter, evidence exchange, it must be related with the fact in issue or with the relevant fact. For that, he can collect oral evidence as well as evidence in the form of properties. So far as FIR is concerned, it is a corroborative piece of evidence. And so far as it is a corroborative piece of evidence, it acquires more importance. Though it is a corroborative piece of evidence, it can well be used for contradiction also. But so far as it is a corroborative piece of evidence, utmost care, sincerity is expected from police officers recording the FIR. Utmost care. Many times it has been complained by the first informants that they don't write. They say that you don't know, you keep mum. No. This ultimately doesn't lead to delivery of justice, because ultimately that person, while in the in the witness box, is going to give account of the incidents as it was happened, as it jaise ghatit hua tha, jaise ghatna ghati thi, waise wo batayega. Agar wo sach bolne wala hai to, agar wo sach bolne wala hai to. So far as powers of investigations are concerned, 156 CRPC is there. Most important part of that is the investigation when found insufficient. After the final report under section 173 is submitted, what course is available to the court or the party? It has been, I am not on the point whether at present this judgment has been dissented or not, but I say that it has very good guidance value. This judgment says that 156(3) permits the magistrate to order further investigation. It is in Criminal Law Journal, a 2008 Criminal Law Journal, 2008, Supreme Court 907, Sakiri Vasu versus State of UP and others. It has been very much clearly observed by Honorable Supreme Court that further investigation can be ordered by the magistrate after he receives the final report. It can be done.
in many cases it is observed that prosecutor or the investigator or police station in charge applies under section 173(8) of CRPC, taking the permission of the court for further investigation. The section itself is very much clear. 173(8) does not require any permission from the court for further investigation. And there is no question of court giving such permission. There is no question. It is provision is not like that. But it should not mean that neither they are further investigating nor court has power to investigate. If such is the situation, can there be supremacy of judiciary? Cannot be. Then court will feel helpless. Okay, they are not sending the evidence. What can we do? Supreme Court says that no. 156(3) itself enables the magistrate to order further investigation in the matter. I say that, okay, it is also not come to the notice of the court. It is also not come to the notice of the court that the evidence is deficient. But it comes to the notice of the prosecutor. Cannot he apply? Taking help of this judgment? Because ultimately, what is his role? His role is to bring best evidence before the court. His role is not confined to that final report. Whatever is supplied by the investigator shall be produced before the court. No. It is not his role. He will apply his mind. He will see whether the evidence is sufficient or not. And if he finds that evidence on this point could have been collected, but is not collected, and the evidence is relevant or is related with the fact in issue and which will aid the court in delivering the justice, he should apply. He should. Otherwise, he will be a spectator. Okay, I am helpless. Sometimes I give an example of hotel, restaurant. We are there for having food. The food is ordered. Cook is in the kitchen. The waiter is serving. He has no role. He just serves. I say that prosecutors are not mere servers. No. Section 242(3), Section 254, Section 230, all are related with prosecution evidence in summons trial, warrant trial, and sessions trial. Nowhere says the prosecutor shall lead the evidence within that framework. He shall apply. For calling his witnesses, its witnesses, or production of any document or other thing. There is ample scope for him, and he should do this. There are several pronouncements that a prosecutor is nobody's puppet. When the evidence which was required to be collected, which was required to be forwarded, if not forwarded, the prosecutor must discharge his duty by applying for further investigation. And in this judgment, Honorable Supreme Court has said that 156(3) gives this power to the magistrate of ordering further investigation. Now, so far as evidence collection by the investigator is concerned, the only mandate in CRPC is in section 157. It says that the police station in charge either shall proceed to the spot in person or depute somebody. Other tasks, when should be undertaken by him
is not provided, but this is provided in CRPC 157 itself. He shall forthwith send a report to magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report and shall proceed forthwith. It is a part of this sentence itself. And shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officer not being below such rank as the state government may prescribe in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case. He has to investigate the facts and circumstances of the case by forthwith proceeding to the spot. Forthwith. Forensic science says everything coming in the contact of anything receives something and gives something. Immediate proceeding toward the spot ensures the minimum am I audible, Sivai? Sivai, am I audible? Yes, sir. Okay. Sharing the screen. No, I have not. Yes, sir. Okay, sir. Okay. Only this is specifically directed by the code that he should proceed in person or depute some subordinate officer to the spot for investigating the facts and circumstances of the case. There can be several reasons. There can be several reasons for not attending the spot forthwith, but no reason can protect the scene. What is important is protection of scene. What is important is collection of evidence from the scene of offense is important. Now, for example, I would say that scene of offense may provide evidence that the offense is committed here, or it may provide that the offense was not committed here. It may happen. For example, it is a complaint, it is a report that there was fire in a room and our person was burned. The investigator reaches there and finds there are no signs of any fire in the room, but the body in the burned condition is there. It will definitely lead him to the conclusion that yes, that person is subjected to fire, but the incident has not taken place here. It means someone has some interest to make it to appear that it has taken place here. It will give him direction of investigation. Every clue would lead him towards the culprit. So his immediate proceeding to the spot is directed by section 157 of the CRPC. However, exception proviso is there to the section that in some circumstances or in the not serious matters, he can choose to not to go to the spot. I would say, our prosecutor friends and investigators, I would say, क्या कभी आप किसी आयो ने आज तक ऐसा कहा है क्या कि वो कोई बहुत गंभीर बीना नहीं थी तो मैं नहीं गया वहां पर? जाते ही है
ऐसा कागज पे दिखता है, और फिर वो वाला पंच आके कोर्ट में क्या कहता है, वो जो स्पॉट पे गया विजिट बताया, ये क्या कहता है कोर्ट में आके? ट्रूथफुलनेस और प्रूड की डेफिनेशन पे से क्या सामने आता है? प्रूडेंट मैन, नेचुरल। वहां जाना जरूरी नहीं लगा तो नहीं लगा, नहीं लगा इट्स ओके। इस कारण से वहां जाना ये कोई गांभीर्य नहीं था उसमें, वहां जाके कोई एविडेंस मिलने की संभावना नहीं थी, हम नहीं गए, हमें ये दूसरा एविडेंस मिला है। ये स्ट्रेंथ आनी चाहिए, ये ट्रुथ, ये हकीकत बतानी चाहिए। ये पंचनामा कर करके मेरे फ्रेंड सिवाय ने उस दिन, सिवाय पाटिल, चंद्रशेखर पाटिल हमारे, उन्होंने कई सारे जजमेंट्स कोट किए पंचनामा के बारे में, और मेन तो उन्होंने ये कोट किया कि जो महाराष्ट्र पुलिस मैन्युअल है उसमें कहा है कि पंचनामा विल नॉट बी द पीस ऑफ एविडेंस। वो एविडेंस देने के लिए नहीं बनाना है, तो तुमने क्या किया उस दिन, उस वक्त, उस जगह पर, उसका आपके पास रिकॉर्ड रहे, उसके लिए आपने बना के अपने पास रखना है, इज द प्रोविजन इन, एम आई राइट चंद्रशेखर? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो आप बाद में उसे कोड भी कर देना, वो कौन सा वॉल्यूम 3 का कौन सा पार्ट है सर। सर, जब जहां से उसका ओरिजिन है, जिस पंचनामे का ओरिजिन जहां पर है, वो ओरिजिन ही कहता है कि इट इज नॉट मैंडेटरी एंड इट इज नॉट फॉर गिविंग इन एविडेंस। स्टिल हम देखते हैं कि कोर्ट के अंदर चार्ज फ्रेम हुआ या प्ली रिकॉर्ड हुई कि इश्यू समझ टू कंप्लेनेंट एंड पंच नंबर 1 एंड 2, है ना? जो पंचनामा एविडेंस के लिए बना ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के कितने तो जजमेंट से, कि कोई पंचनामा मैंडेट नहीं है भैया हमारा, कानून का कोई मैंडेट नहीं है, तो फिर ये किस लिए करना है? जो हम कर नहीं सकते हैं वो किया, जो करना जरूरी नहीं है वो हमने किया, वो बता के हासिल क्या हो रहा है इन्वेस्टिगेटर्स को, प्रोसिक्यूटर्स को और सिस्टम एज ए होल को, सिस्टम एज ए होल को। क्यों ये मैं सिस्टम की बात क्यों कर रहा हूं, कि जब एक आदमी गुनाह करके ऐसी छोटी छोटी बातों के कारण छूट जाता है ना, तो जो विक्टिम होता है उसके ट्रॉमा का हमने सेंसिटिवली कल्पना करनी चाहिए। जिस एरिया में वो रहता है, जिसने वहां पर वो गुनाह किया था और फिर वो सीना तान के वहां निकलता है, उससे समाज में क्या संदेश जाता है, इस पर भी हमने जागरूक रहना जरूरी है। ये हर बात रूल ऑफ लॉ से जुड़ी हुई है। पिछले सप्ताह में आई केम अक्रॉस अ न्यूज़पेपर, न्यूज़ आइटम, देयर वाज एन एक्सटर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 8% इन सिटी ऑफ नासिक, दैट वाज न्यूज। देयर वर 3 गैंग्स मेंशनड इन द न्यूज एंड against the name of the externee, it was written that he was the gang leader, he was the gang leader, he was the gang leader. It is shocking that all the gang leaders were between 21 and 23 years of age. Kya hua? Kuch nahi hota. Ye jo bhavna drad hoti ja rahi hai na, हम सब ने हमारी जिम्मेदारी उसमें ढूंढनी पड़ेगी कि उसके लिए हम किस हद तक जिम्मेदार हैं। कुछ नहीं होता। जितने भी इलीगल वेपन्स के केसेस होते हैं आप देखिए, बहुत सारे में तो जुवेनाइल्स होते हैं। क्यों? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज किसी भी शहर में, हम नए शहर में जाए तो उस शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होगी, ये देखने का एकदम सादा तरीका मुझे लगता है कि यह है कि हम वहां की ट्रैफिक कैसे मूव कर रही है, उसमें से हम थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का अंदाजा लगा सकते हैं। वहां लोग 3-3 सीट जा रहे हैं बाइक पर, 5-5 सीट ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, कोई इस साइड से जा रहा है, कोई उस साइड से जा रहा है, तो फिर ध्यान में आ जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी। लॉ एंड ऑर्डर मुझे उस यूनिट कमांडर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो एसपी होंगे, सीपी होंगे, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है।
ना मेरी कोई कमेंट है उनके ऊपर, मुझे ये कहना है व्हाट इज अबाउट रूल ऑफ लॉ, कि जिसके लिए हम चार बने हैं, इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जुडिशियरी, हम चार बने हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? हम एक दूसरे के ऊपर उंगली तो बता सकेंगे, क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम में से किसी की नहीं है क्या? समझो कि मैं एक गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूं, एक मशीन पे कटिंग का काम करता है एक कारागीर, दूसरा स्टिचिंग का काम करता है, दूसरा बटन्स लगाता है, चौथा प्रेस करता है। वो बोलेगा उसकी गलती थी, उसने ठीक से काटा नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अल्टीमेटली जो ग्राहक है उसे तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला ना, क्या हम अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? हमारी कोई भूमिका है कि नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है ना जजमेंट्स में, कोर्ट्स के बारे में कहता है कि कोर्ट्स कैन नॉट बी मियर स्पेक्टेटर, कैन नॉट बी, कोर्ट को एक्टिव भूमिका बजानी चाहिए। क्या हम सब बाकी के लोगों के लिए, हम पर ये बंधन कारक नहीं है क्या? अभी किशन भाई वाले जो जजमेंट में चार्जशीट की स्क्रूटिनी और व्हाइल प्रोनाउंसिंग जजमेंट ऑफ एक्विटल इन सीरियस केसेस, कोर्ट शैल सी वेदर द एक्विटल इज एट्रिब्यूटेड टू द इन्वेस्टिगेटर सम मालाफाइड फॉर सम मालाफाइड और टू द प्रोसिक्यूटर, कोर्ट शुड गिव फाइंडिंग टू दिस इफेक्ट। फाइंडिंग लिखा है, फाइंडिंग। और मैं कहूंगा कि उस जजमेंट के आने के बाद आज तक के पूरे देश के जजमेंट्स की स्क्रूटिनी होनी चाहिए। 90% एक्विटल तो हुए, मगर फाइंडिंग कितने में दिए गए? मैं नहीं कहता हूं कि हर एक केस में कोई ना कोई जिम्मेदार होगा, इन्वेस्टिगेटर या प्रोसिक्यूटर, मगर ऐसा भी हो सकता है क्या कोई जिम्मेदार नहीं? एक कोर्ट का मुझे पता है, सिर्फ एक कोर्ट का, मैं नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा मैं, कि जिन्होंने चार पांच जजमेंट्स में लिखा है सेशंस कोर्ट ने, यस इंक्वायरी बी हेल्ड, उन्होंने पूरा स्क्रूटिनाइज किया है एविडेंस, क्या क्या आना जरूरी था, इन्वेस्टिगेटर को क्वेश्चन किया गया तो उसने क्या जवाब दिया, ये सब बातों का उहापोह करके उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डायरेक्शन है, जब तक इस तरह से देखा नहीं जाएगा, तब तक हम में से अगर कुछ लोगों की ये भावना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये कम नहीं होगी। ब्रिटेन में कहा जाता था, किंग कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट ही कैन कन्वर्ट ए मैन इंटू वुमन एंड वुमन इंटू मैन, अब तो वो भी हो सकता है। तो वही भावना हम में से किसी की अगर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, जब तक किशन भाई के जजमेंट का इस तरह से प्रयोग नहीं होगा, तो कोई अपने आप को जिम्मेदार मानने ही नहीं वाला है, कोई नहीं मानेगा। और ये जिम्मेदारी निश्चित तो करनी पड़ेगी। आज 25 साल पहले कोर्ट में जाना, ऊंची आवाज में बोलना, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। आज तो पिंजरे में खड़े रह के सीना तान के जोर में बातें की जाती है। किसी के वाणी स्वातंत्र पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, सभी के पास है, सभी की अपनी अपनी मर्यादाएं भी है, मगर ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर भावना हो गई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक केस में आपको बता सकता हूं कि कोर्ट ड्यूटी में जो पुलिस है, कि जो कैदियों की रखवाली कर रहा है, जेल में से लाए हुए कैदियों की, उसे कोर्ट प्रिमाइसेस में मारा गया और उसका एफआईआर दर्ज होने में 3 दिन लगे, 3 दिन लगे एफआईआर में, जबकि ये रिकॉर्ड पर है कि उसने उसी वक्त फोन से इंटीमेट किया था नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को। 3 दिन लगे एफआईआर होने में, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इंक्वायरी हुई, फिर आदेश हुआ एफआईआर रजिस्टर करो, तब एफआईआर हुआ। वो जो एक्यूज्ड है, जो कल्प्रिट है, उसकी भावना तो और दृढ़ हुई, कुछ नहीं होता है ना। और जिसने मार खाया, जिस पुलिस ने मार खाया ऑन ड्यूटी कोर्ट प्रिमाइसेस, वो क्या लेके गया, कौन सा हौसला लेके गया? और जो उस पुलिस दल के 2-3 हजार पुलिस हो गए, उनको क्या संदेश गया कि भाई इनके नाक में नहीं लगने का, ये लोग अगर आए तो हमने मुंह फेर लेने का,
है ना, तो इसकी जिम्मेदारी हमें स्वीकारनी पड़ेगी क्या नहीं? ये मुझे लगता है कि ये रूल ऑफ लॉ से जुड़ा हुआ विषय है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, और उसमें इन्वेस्टिगेटर का इश्यू डिस्कस करते करते हम इस बात पर गए हैं कि इन्वेस्टिगेटर अगर इस स्थिति में होगा तो उसका ये व्यक्तिक नुकसान नहीं है, इट इज अ डेंजर टू रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ तक ये बात जा रही है। तो हमने देखा 157 डायरेक्शन, फिर 159 है, 160 अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस का पावर है, उनके पास रिटर्न ऑर्डर देके लोगों को अपने पास बुलाने का पावर है, और हर बार ये हर दिन ये कोर्ट में आ रहा है, मेरा बयान नहीं लिया गया है ना, कोई कोर्ट का कोई दिन ऐसा नहीं जाता होंगे जब कोई विटनेस कोई एक तो विटनेस ऐसा ना कहे कि मेरा बयान 161 का लिया ही नहीं गया है। मुझे कहो कि ये प्रोविजंस क्यों है, कौन से लॉ अमेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो है उसका तो यूज करें। अगर इन्वेस्टिगेटर ने उसे बुलाया है नोटिस देके तो नोटिस की कॉपी जोड़ देना था ना कोर्ट में चलान के साथ में चार्जशीट के साथ में, तो वहां ये बात सामने आती थी कि भाई ये तो नोटिस पे तेरी सिग्नेचर कैसी है, 161 पे तो तेरी सिग्नेचर नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, पर इस नोटिस में कैसे है तेरी सिग्नेचर, कुछ तो बताता वो। अगर आप बुलाते हैं तो आप करते क्यों नहीं है, आप हकीकत में ये अगर रिकॉर्ड करते हैं तो, और जब 161 में ये अमेंडमेंट आ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसे वीडियोग्राफ किया जाएगा जा सकेगा, क्यों नहीं हो रहा है? और जब असर्टेनमेंट ऑफ ट्रूथ की सब कवायद है और वो पूरी कवायद अगर ट्रूथफुलनेस से नहीं हो रही है तो हम एज ए सोसाइटी, हम एज ए नेशन किस दिशा में जा रहे हैं? हमें हमारी सबने हमने देखो इसमें बहुत सारे डिफेंस लॉयर्स बैठे हैं अटेंड कर रहे हैं, सबका अभिवादन करता हूं, आपने भी इस इन बातों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये जीत हार का मामला ही नहीं है। मैं बोलता हूं हर केस क्यों ना एक्विट हो जाए, कोई वादा नहीं है उसमें, कोई हमारा पराजय नहीं है, आपका विजय नहीं है, मगर मैं कहूं कि सत्य का अगर कोई बंधन ना रहे, हर व्यक्ति और हर विभाग उससे दूर हो जाए तो स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, और आगे का पता नहीं है, मगर दिख तो रहा है, सभी को दिख रहा है ना। तो जो 10-20 साल पहले लोगों को ये था कि भाई कोर्ट में जा रहे हैं, कुछ कोर्ट का बंधन है, ये क्यों कम होता जा रहा है, ये भावना हो गई कुछ नहीं होता, और ये भावना क्यों हुई, क्यों हुई? आज एक इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करता है, प्रोसिक्यूटर एविडेंस लीड करने के लिए तैयार खड़ा है, डिफेंस लॉयर भी खड़े हैं, जज साहब भी बैठे हैं, मगर कितने सारे तत्व है, कितने सारे तत्व है जो वो विटनेसेस को कह रहे हैं कि डोंट गिव एविडेंस, है ना, उसे ठीक है एक केस एक्विट हो जाएगी, इट्स ओके, होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझ पर कोई धोखा नहीं है मुझे, मगर समाज को हम कहां ले जा रहे हैं? जब 195A जैसी प्रोविजन बनाई गई, threatening a witness, cognizable, non-bailable offense, 7 years imprisonment, थोड़ा सर्वे करना चाहिए कि जब से वो प्रोविजन बनी तब से लेके आज तक कितने ऑफेंसेस रजिस्टर हुए, कितने ऑफेंसेस रजिस्टर हुए? मेरे सामने तो एक बार ऐसा हुआ कि उसने कोर्ट में ही कहा विटनेस ने कि ये अक्यूज ने मुझे थ्रेटन किया है, तो 195A होने से क्या हो गया कि कोर्ट उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकता क्या? नहीं ले सकता, कॉग्निजिबल ऑफेंस तो पुलिस के मार्फत ही आना चाहिए, ऐसा कोई कानून है क्या? वो कंप्लेंट कर रहा है, 190 ऑफ सीआरपीसी क्या कह रहा है ना, कॉग्निजेंस तो लेना पड़ेगा, और ना लेके हम संदेश क्या दे, एवरी एक्ट what we are doing and what we are not doing has its effect, इस बात के तरफ हमें थोड़ा ज्यादा सिंसियरली हम सबको देखना पड़ेगा।
अब मुझे कहिए 163 है ना, वन इंड्यूसमेंट से रिलेटेड है, उसका संबंध 24, 5, 6 एविडेंस एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे जो लगता है 166 या किसी इन्वेस्टिगेटर के संबंध में। कभी कभी मैं इसे उदाहरण देता था कि नासिक के पंचवटी पुलिस स्टेशन की कस्टडी में एक आरोपी है जो कहता है कि मैंने वो हथियार कैनॉट पैलेस के उस इमारत के खिड़की में रखा हुआ है, बंद ऑफिस की खिड़की में रखा हुआ है बाहर से। अब पंचवटी का पीआई या इन्वेस्टिगेटर कब कैनॉट पैलेस जाएगा और कब वेरीफाई करेगा? तो फार एज 27 तो मुझे लगता था कि वो कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में है, ये फैक्ट पुलिस को पता नहीं थी कि वो चीज कहां पर है। इसने बताया कि वो वहां पर है, और वहां पर अगर वो सही साबित होती है तो फिर वो कन्फेशन हो या ना हो, इट इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 24, 5, 6 और इट कैन बी प्रूव्ड। तो मैं ये कहता था कि यार यहाँ के पीआई ने कैनॉट पैलेस के पीआई को कहना कि साहब आप जरा देखिए ना वहां पर ऐसा कुछ है क्या, अगर है तो मुझे बताइए। मैं बोलता हूं कि वहां के पीआई ने देख के कहा कि हाँ वो चीज वहां पर है, हमने ताबे में ले लिए। मैं तो कहता हूं कि 27 तो हो गया है, कंप्लाइंस हो गया है, और मेरे इस कथन को जो सपोर्ट मिल रहा है दैट इज 166 ऑफ सीआरपीसी। मैं कहता हूं कि इसका प्रयोग इन्वेस्टिगेटर्स ने करना ही चाहिए, बार बार होना चाहिए। यहां का पुलिस वहां जा रहा है, पूरे इंडिया में चल रहा है। When officer in charge of police station may require another to issue search warrant, an officer in charge of a police station or a police officer not being a below rank of sub-inspector making an investigation may require an officer in charge of another police station, whether in the same or different district, to cause a search to be made in any case in which the former officer might cause such search to be made within limits of his own station. वो अपने यहाँ जो सर्च कर सकता था वो सर्च वहां पर करने के लिए वो उसे रिक्वेस्ट करेगा। टू, सर्च ऑफिसर ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड शैल प्रोसीड, सर्च ऑफिसर कैनॉट पैलेस का ऑफिसर शैल प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 165 एंड शैल फॉरवर्ड द थिंग फाउंड इफ एनी to the officer at whose request the search was made. क्यों जाना है? बहुत सारे नियम है। महाराष्ट्र की पुलिस को स्टेट के बाहर जाना है तो वहां कुछ मुंबई से डीजी ऑफिस से परमिशन आएगी, फिर मिलेगी, फिर वो टिकट मिलेंगे, फिर वो जाएंगे, तब तक पुलिस कस्टडी खत्म, वो चीज फिर कैसे बताने की, ये अल्टीमेटली इस प्रोविजन का यूज न करके, न होने के कारण, इस पर ध्यान न देने के कारण जो हो रहा है वो हमें रूल ऑफ लॉ से दूर ले जाता है। लॉ हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड दिस, लॉ इज लॉजिक ना, उसका देखो कितना जबरदस्त उदाहरण है। 166 रेड विद सेक्शन 27 ऑफ एविडेंस एक्ट, हो गया कंप्लायंस, आ गई चीज, आ गई, कोई जरूरत नहीं यहां से वहां जाने की। अदरवाइज मुझे कहे कि वो चीज वहां बनी रहेगी, इसका क्या क्या गारंटी है? कोई तो गारंटी नहीं है। उसकी जो क्रेडिट वर्दीनेस रहेगी ड्यूरिंग द ट्रायल वो क्या रहेगी? मुझे नहीं लगता कि वो कोई खास क्रेडिट वर्दी रहेगा, और न तो रह रहा है। हम सबके ये ध्यान में कि ऐसा नहीं हो रहा है। देन तो इन्वेस्टिगेटर्स का मैं ध्यान खींचता हूँ, प्रोसिक्यूटर्स का भी मैं ध्यान खींचता हूँ कि हमने उनका ध्यान इस तरफ खींचना पड़ेगा कि भाई ये भी है, और ये इसलिए नहीं कि हमारी केस साबित हो जाए, कोई हमारी केस नहीं, सभी केसेस समाज के हैं, ना प्रोसिक्यूटर के हैं ना डिफेंस लॉयर्स के हैं, है ना। हम दोनों भी केवल सत्य शोधन में न्यायालय की मदद कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है, आपके हिसाब से आप बताइए, उसकी छानबीन करिए, हो सकता है कि मेरा कहना गलत भी साबित हो जाए। मैं खुद भी कहूंगा कि मैंने कहा था वो गलत साबित हुआ है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मगर अपनी अपनी भूमिका हमें तो निभानी ही पड़ेगी ना, निभानी पड़ेगी।
165 की सर्च और सीजर के बारे में बता रहा है, जो हमें सबको पता है पुलिस ऑफिस, पुलिस के जो पावर से सर्च और सीजर के 167 जो है, 167 रिमांड का सेक्शन है, रिमांड का सेक्शन, वो भी सभी को पता है, ऐसा नहीं कहूंगा 70, 72, 73 से हमने बात कर ली है। अब मुझे ये कहो बाकी के भी सेक्शन से 51, 52, 53 मेडिकल एग्जामिनेशन, ऑफेंसिव वेपन को करना, सर्च ऑफ पर्सन, ये भी सब, ऑल दीज आर रिलेटेड विद कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय द इन्वेस्टिगेटर, ऑल दीज आर रिलेटेड विद दैट। और मैं ये कहूं कि ये सब अधिकार है उन्हें, ये सब करने के, ये सब कुछ करने के उन्हें अधिकार दिए हैं। सामने वाले को ऑर्डर देके कह सकते हैं कि आइए मेरे पास, और सामने वाला आ नहीं रहा है, और न आने वाले के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, कोई पिनल प्रोविजन नहीं है, तो उस अधिकार का क्या मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। और इसीलिए मैं हमेशा, मेरा इस बात पर ध्यान जाता है कि पब्लिक सर्वेंट को एटलीस्ट 172 से लेके 188 आईपीसी पता होने चाहिए। अब समझो कि उसने किसी को, इन्वेस्टिगेटर ने अपने कांस्टेबल को एक ऑर्डर बना के दी कि उस व्यक्ति को देके आओ और उसे कहो कि इसमें लिखे मुताबिक कल हमारे सामने हाजिर हो जाए। कांस्टेबल को देख के वो आदमी भाग गया, वो भाग गया। आईपीसी प्रोवाइड्स दैट इट इज अ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 172 ऑफ आईपीसी। ये ऑफेंस है। कितनी बार ऐसा हुआ है, कब इस प्रोविजन का यूज हो रहा है ना? या तो प्रिवेंट, मत आओ, क्यों आ रहे हो हमारे एरिया में, चलो हम देखेंगे, ऐसा हो रहा है। कुछ लोग पुलिस को अपनी बस्तियों में एंट्री नहीं दे रहे हैं, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। और उसके लिए प्रोविजन की है, लॉ मेकर्स को ये पता था कि लोग ऐसा बिहेव करेंगे, तभी तो प्रोविजन करके रखी है 1860 में। इट इज एन ऑफेंस, ठीक है, नोटिस तो ले लिया मगर दूसरे दिन आया ही नहीं। 174 नॉन अटेंडेंस इज एन ऑफेंस। कोर्ट में भी लोग नहीं आते हैं, समन्स सर होने के बाद नहीं आते तो वारंट इश्यू होता है, व्हाट अबाउट 174, उसका क्या है ना? कुछ हाजिर करने के लिए 91 का ऑर्डर दिया है, प्रोड्यूस दिस थिंग, और उसने नहीं प्रोड्यूस किया, 175 आईपीसी, ओमिशन टू गिव नोटिस 176, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, वो आदमी वहां था फिर भी कहा कि वहां नहीं है, या जो भी किसी सब्जेक्ट में रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि 177 में है, फॉल्स इंफॉर्मेशन किया दिया, इट इज एन ऑफेंस। मुझे कहिए कि 179 रिफ्यूजिंग टू आंसर, 161 कहता है कि हर व्यक्ति इन्वेस्टिगेटर को सही जवाब देगा, और वहां तो जवाब ही नहीं दे रहा है, रिफ्यूजिंग टू आंसर, है ना? तो क्या इस सभी सेक्शंस बने किस लिए है? और दूसरी बात 172 से लेके 188 जो सेक्शंस है उसका प्रोसीजर दिया है 195 सीआरपीसी में दिया है। वो जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है उसकी कंप्लेंट पे ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। इसका अर्थ क्या है? उसने कहीं एफआईआर देने की जरूरत नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, उसका कहना कि मैं ये करने गया था और वो इस तरह से वाकया हुआ, कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस, एंड अपॉन दैट ओनली द कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस। इट मीन्स द ट्रूथ ऑफ द कंप्लेंट इज नॉट वेरीफाइबल by the process of investigation, not permitted. 188 के बारे में देखो, बहुत चल रहा है भारत में पूरे, अपने जब से कोविड लगा है 188 बहुत जगह पे FIR हो गए। अभी FIR कोर्ट में आ रहे हैं तो कोर्ट बोलेगी आई कैनोट टेक कॉग्निजेंस, क्या करें? ठीक है, इट्स ओके, इन शेड्यूल इट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, FIR कैन बी रजिस्टर्ड, बट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस अपॉन पुलिस रिपोर्ट। Court cannot. Court will require the complaint only. Court क्या करेगा? Cognizance is refused. आखिरी में who is benefited?
is benefited, who has committed the offense of 188 is going to be benefited. तो ये जो provisions है 172 to 188 all the police के जो भी investigation के powers है उसके साथ related है, ये related है. पुलिस को ये कहना allowed नहीं है कि हम क्या करें, लोग आते ही नहीं है, हम क्या करें, हम तो नोटिस देते हैं, कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं. अरे भाई सब तो है, उसके आगे भी सेक्शन से 189 थ्रेट टू इंज्योर, पुलिस को बोलना ठीक है तेरी ड्यूटी खत्म होने के बाद देखता हूं तुझे. ये क्या है 189 190 आईपीसी है ना, सेक्शन है ना, कहां हो रहा है कुछ, है ना. और 191 टू 196 evidence of sections of dealing with giving or fabricating false evidence se related sections hai. Guna to aakhir guna hai, chahe prosecutions ka witness kare ya aur koi kare, guna to guna hai. Aur lawmakers ne ise kitna gambhirta se liya hai. The maximum punishment for giving false evidence is death penalty. Death penalty 196 आईपीसी मैक्सिमम, कितना गंभीरता से लिया है. और क्या हो रहा है हकीकत में, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उनके लिए होस्टाइल शब्द यूज ना करें. मैं भी कहता हूं कि अपने बयान से मुखरने वाला हर गवाह होस्टाइल नहीं है, झूठी गवाही नहीं दे रहा है, ऐसा साबित नहीं हुआ है कि वो झूठे है, ऐसा साबित नहीं हुआ है. मगर या तो देखो दो में से एक ही हो सकता है, आइदर ही इज गिविंग फॉल्स एविडेंस or the panchanama or the statement is fabricated, either of the two, ye do mein se ek to hona hi hona hai, hona hi hona hai. Kya hum sensitively in issues ko touch kar rahe hain? Kabhi kabhi to aisa dekha jata hai ki hostile witness lessens burden of everybody, hum sabhi log mukt ho gaye zimmedari se, sabhi log. Aisa nahi ho raha hai kya? अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहां पर लीड कर रहे हैं एवरीथिंग, एवरीथिंग कहां लीड हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है ये सब सिस्टम. जजमेंट साइटेशन मुझे याद नहीं है, मगर एक जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि द क्रिमिनल केसेस आर डिसाइडेड इन द कॉरिडोर्स ऑफ द कोर्ट, बरामदों में तय हो रहे हैं निर्णय. क्योंकि जहरा शेख ने कितना लिखा है ना, कितना लिखा है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन का ही विटनेस क्यों ना हो, इट्स ओके, उसका रॉन्ग है तो रॉन्ग सामने ही आना चाहिए, आना ही चाहिए. और कितनी गंभीर प्रोविजंस यहां पर करके हम हमारे सामने रखी है, 195 का जिसका मैंने जिक्र किया, थ्रेटनिंग ए विटनेस. देखो ये एविडेंस से रिलेटेड अपना ये वेबिनार है और एविडेंस से ये चारों अंग जुड़े हैं, इन्वेस्टिगेटर, प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड ऑनरेबल कोर्ट्स, ये चारों भी जुड़े हुए हैं. तो ये किसी की तरफ उंगली निर्देश नहीं है, मुझे ये कहता है कि चार में से कोई भी फेल होता है ना तो इट इज डेंजर टू जस्टिस, इट इज डेंजर टू जस्टिस और हम रूल ऑफ लॉ से उतने दूर जाते हैं. मैं कतई नहीं चाहता कि खींचतान के केसेस प्रूड हो जाने चाहिए, कतई ही नहीं, मैं बोलता हूँ पूरे के पूरे ही छूट जाए कोई बात नहीं. मगर ये जो जितने भी जो जो प्रक्रियाएं दी गई है कानून में, ये सब होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए. और फॉल्ट है तो किसका फॉल्ट है, मैं तो ये कहूंगा कि हर स्टेज पर ऑडिट होना चाहिए, हर एक के काम का ऑडिट होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने वही तो कहा है कि आप स्क्रूटिनी करिए, आप देखिए जजमेंट में देखिए. फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारे जीआर, उसमें एक जजमेंट स्क्रूटिनी समिति भी आई. जजमेंट स्क्रूटिनी समिति कहती है जजमेंट में कुछ लिखा ही नहीं है तो हम किस पे से कहे कि उसका दोष है, किसी का दोष है नहीं कह सकते. तो हर स्टेज पे ऑडिटिंग होना चाहिए, जैसे कुछ मात्रा में पुलिस का चलाना वहां से पहले सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स वो गो थ्रू करते हैं वगैरह वगैरह. मगर एक बात तो हमेशा आश्चर्य की रहती है कि while forwarding the charge sheet, वो लिखते हैं कि there is sufficient evidence, और judgment में आता है कि there is no sufficient evidence. कहां गया evidence? कहां गया? एक तो evidence था ही नहीं, या तो
था मगर आया नहीं, लाया गया नहीं, कोई ना कोई तो। और किशन भाई के जजमेंट में इस सब बातों का ठीक से ख्याल रखा गया है, और मुझे लगता है कि हम सबने बहुत ही सिंसियरली उसके तरफ देखने का समय आ गया है, नहीं देर हो चुकी है, असल में तो देर हो चुकी है। क्राइम करने से कोई डर नहीं रहा है, डर नहीं रहा, किसी को गाली दे देना, किसी को चांटा मार देना, कुछ नहीं डर लगता है, कुछ नहीं है ना। तो ये बहुत कोई अच्छी स्थिति नहीं है, और ये यहाँ पर उपस्थित करने का कारण भी इतना ही है कि हम कहीं इसके लिए जिम्मेदार है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इन्वेस्टिगेटर के जो कि एविडेंस मस्ट बी गिवन ऑफ द फैक्ट इन इश्यू एंड ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स ओनली एंड ऑफ नो अदर फैक्ट्स, तो इन्वेस्टिगेटर को ये पता होना चाहिए, उसके ट्रेनिंग की सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, उसे पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रिलेवेंट फैक्ट्स, उसका एविडेंस किस तरह से आया जाए, उसके जो साथ दिए हुए इलस्ट्रेशंस उसे समझने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो करने के लिए तैयार नहीं है, मगर उनके ट्रेनिंग के बारे में भी कुछ सोच के, कुछ विचार करके कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। क्या बातें प्रूव करना जरूरी है, कौन से व्हाट नीड नॉट बी प्रूव्ड, उसके भी सेक्शन से एविडेंस एक्ट में प्रिजम्पशंस क्या है, प्रिजम्पशंस की व्याप्ति कितनी है, वो भी उसे पता होना चाहिए। और उसे ये भी पता होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन है ना, वो ट्रायल के जैसा ही है करीब, मगर सिर्फ वो एक ही व्यक्ति करता है, ट्रायल में एक टीम है, जबकि इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर ये सिंगल है। मगर उसे ध्यान में आना चाहिए कि फर्स्ट इन्फॉर्मेंट का ये एलिगेशन है, तो उसके जवाब में एक्यूज के पास क्या है, एक्यूज के पास जो है वो भी प्राप्त करने का उसका अधिकार तो है ही ना, उसीलिए तो पुलिस कस्टडी है, उसीलिए तो इंट्रोगेशन है। तो उसे ये ध्यान में आना चाहिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, अल्टीमेट बर्डन ऑफ ट्रायल प्रूफ ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसिक्यूशन का है, मगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उसने तो इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट करना है ना, दोनों बाजू में क्या क्या है वो लाना है। सुप्रीम कोर्ट के कितने सारे प्रोनाउंसमेंट भी यही कहते हैं कि उसे दोनों बाजू से कुछ अगर एविडेंस मिले है तो उसने सब पूरे के पूरे एविडेंस उसने तो फॉरवर्ड करना ही है। तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ, है ना। और अगर ये ध्यान रखे, इस बात का ध्यान रखे, बर्डन ऑफ प्रूफ का भी, फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट्स 5 से 55 का उसे आइडिया है, प्रिजम्पशंस के बारे में वो कुछ जानता है, और ये जानना जरूरी है क्योंकि वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और अदरवाइज भी किसी को इग्नोरेंस ऑफ लॉ तो डिफेंस तो अवेलेबल है ही नहीं ना, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता। तो मैं ये कहता हूं कि उस जगह पर, और ये प्रोसिक्यूटर्स को क्यों बताना है, प्रोसिक्यूटर्स को जो इन्वेस्टिगेटर ने जो एविडेंस कलेक्ट किया है मोस्टली तो वही एविडेंस प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, उसमें से बेस्ट पीसेस उसने ढूंढने पड़ेंगे, कुछ कमियां हैं तो बुलाना पड़ेगा, देयर आर प्रोविजंस, उसके बारे में हम कल बात करेंगे ही करेंगे। तो मैं कहता हूं कि जब तक हम इस तरह से एक दूसरे की भूमिका समझ नहीं लेंगे, और अगर उससे कुछ छूट जाता है तो उसकी पूर्ति मैं कैसे करूं, ये भावना नहीं होगी। यहां तक कि कोर्ट के पास भी 311 का पावर किस लिए दिया है, फिर दिया ही है ना, नहीं तो दोनों पार्टियां चुप बैठ गई, कोर्ट तो हदबल हो जाएगा कि क्या करें हम, किसी ने एविडेंस से लीड नहीं किया, वो हदबल डिसेबल अपने आप को फील ना करे। Therefore, there is 311 in CRPC. It is an enabling provision. और उद्देश्य क्या है उसका? Essential for the just decision of the case. ताकि वो केस में जस्टिस दिया जा सके। उसके लिए अगर पार्टीज ने नई एविडेंस लीड किया है तो कोर्ट कॉल करेगा एविडेंस। कुछ सवाल है जो पूछने चाहिए, नहीं पूछे हैं तो कोर्ट को सवाल भी पूछने का अधिकार दिया है।
मैं तो कहता हूं कि इसे अधिकार कहना है तो अधिकार कहेंगे, कर्तव्य कहना है तो कर्तव्य कहेंगे, क्योंकि अंतिमतः डिलीवरी तो जस्टिस की होनी चाहिए ना, और वो जिनका टास्क है उनके ऊपर वो अधिकार भी है और वो जिम्मेदारी भी है। तो आज मैं, मुझे लगता है कि हमने इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से, उसके रोल के हिसाब से, एविडेंस इन क्रिमिनल ट्रायल, उसका रोल क्रिमिनल ट्रायल को कैसे प्रभावित करता है, उसके बारे में हमने आज चर्चा की है। आज गणेश चतुर्थी का दिन है, हमारे महाराष्ट्र से इतने लॉयर्स एंड प्रोसिक्यूटर्स जुड़े हैं, अभी सभी लोग अपने अपने गणेश देवता की आरती की तैयारियां करेंगे, तो इस वक्त यहाँ पर रुकना उचित होगा ऐसा मैं समझ रहा हूँ। कैसे चंद्रशेखर जी, आपका क्या कहना है? मिलेन जी, चंद्रशेखर जी, सर सर सर, we will stop here, there are some question which is asked by some participant, please Mr. Haan. Khade Haan. Khade Khade sahib, advocate Aparna Patil is also willing to ask some question. Haan. That hand raise was by mistake, sir. Okay. Okay. I don't have any question right now. Okay. Khade, sir, मी वाचतो ते प्रश्न. हो हो वाचन. प्रश्न असा आहे पहिला की whether is it a role of the prosecutor to cooperate or to assist investigating officer to collect proper evidence for securing conviction. कल बात करेंगे इस पे हम, कल प्रोसिक्यूटर के रोल के बारे में कल है थोड़ा, है ना, कल इस पे। सर, देयर इज वन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम गणेश तिवारी, सर अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, व्हाई द स्टेटमेंट टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट इज नॉट गिवन टू अक्यूज्ड एंड व्हाई ओनली इट ओपन एट द टाइम ऑफ ट्रायल, व्हाई नॉट गिवन विद 173 ऑफ सीआरपीसी? देयर इज नो सच प्रोविजन, वो जाएगा, ओपन करना है वो, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ, इट इज स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो ओपन होना चाहिए, और अक्यूज के खिलाफ वो है तो अक्यूज को देना भी चाहिए, ऐसा कोई लॉ का कोई ये नहीं है, लॉ का बंधन नहीं है। हाँ सर, ऑन द कॉन्ट्ररी, एज पर सेक्शन 207 ऑफ द सीआरपीसी, इट इज द बाउंडन ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू सप्लाई द कॉपी ऑफ 164 ऑफ सीआरपीसी आल्सो। यस, त्याच्यामध्ये ती द्यावीच लागेल पोलिसांना, आपल्याकडे ती पद्धत आहे पण ती पद्धत म्हणजे लॉ नाहीये एवढं। नाही, वही मैं कहता हूं कि हम वकीलों का हमारा ये काम है कि जो कुछ चल रहा है वो कानून से है क्या नहीं, हम क्या करते हैं, प्रथा क्या चल रही है, अरे प्रथा तो बाबू लोग चला रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं, हमने 207 देखा होता तो एक परिस्थिति में बदलाव आ जाता था ना। यस। सर पुढचा प्रश्न आहे, सर आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट अगेंस्ट, राहुल यांचा प्रश्न आहे, आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट अगेंस्ट एब्सकॉन्डेड अक्यूज अंडर सेक्शन 299 ऑफ सीआरपीसी, वेदर इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर कॅन फाइल द एप्लिकेशन फॉर डिलीट द नेम ऑफ एब्सकॉन्डेड अक्यूज फॉर डिलीटिंग, हाँ फॉर डिलीटिंग, वेदर ही कैन, पहले तो मुझे कहिए कि 299 सीआरपीसी जो है वो चार्जशीट का सेक्शन है कि ट्रायल का सेक्शन है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का सेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का है वो, चार्जशीट कभी 299 के तहत नहीं आती है, कभी नहीं आती, चार्जशीट भेजने वाले का और 299 का काई कोई संबंध नहीं है, नो रिलेशन एट ऑल, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो एविडेंस नष्ट ना हो जाए, इसलिए एब्सकॉन्डिंग अक्यूज के खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड करके रखने की अनुमति दी गई है 299 में, और कुछ नहीं, उतना ही है, डिलीट वगैरह का कोई सवाल नहीं है, क्या प्रश्न, कोई कोई उसके खिलाफ और किसी के भी खिलाफ, आइदर यू चार्जशीट और यू डोंट चार्जशीट, डिलीट का क्या प्रश्न है, ये भी उन लोग तो पढ़ते नहीं है, वो भेजते हैं, उन्हें कोई कहता है डिलीट कर डालो, डिलीट कर डालो वगैरह, है ना, मगर हमने ये सब देखना है सर। तिच्यामध्ये एक नवीन जजमेंट आला आता मुंबई हायकोर्टाचं 2007 किंवा 2008 आहे, कानडे साहेबांचं, त्यांनी म्हटलंय की
जो बॉम्बे पोलीस मॅन्युअल खाली चार्जशीटचा फॉर्म आहे म्हणजे त्यात एब्सकॉन्डिंग असे शब्द लिहिलेले आहे, दॅट फॉर्म इटसेल्फ इज इलिगल. म्हणजे पोलीस एब्सकॉन्डिंग म्हणून कोणाविरुद्ध चार्जशीट पाठवू शकत नाही, त्यांना दोनच ऑप्शन आहे, चार्जशीटेड और नॉट चार्जशीटेड, दोनच पाठवायचे. त्यांनी कानडे साहेबांची मी पोस्ट करतो ज्यांना युट्यूबवर ज्यांनी प्रश्न विचारला, आय विल पोस्ट दॅट जर्मनी टुडे इटसेल्फ. अभी भी हम चार्जशीट का फॉर्म अगर देखे ना तो वैसा ही है, वेदर अरेस्टेड और नॉट, हर व्यक्ति उसके लिए सेपरेट पेज है ना, और उसमें लिखा है वेदर अरेस्टेड और नॉट. करेक्ट, आज भी वही है कि अरेस्ट नहीं भी किया है तो यू कैन बी चार्जशीटेड, बिकॉज द कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड नॉट ऑफ ऑफेंडर. करेक्ट, यस. अजून समवन हैज वन हैज रेज हिज हैंड, गैलेक्सी A70 कोणाचा नंबर आहे? ऍट द टाइम ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन पोलीस ऑफिसर 27 प्रमाणे इन्फॉर्मेशन जी आहे अक्यूज कडून ती करेक्ट करून 27 कॅन विड बी ट्रीटेड ऍज स्टेटमेंट ऑफ अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी. सर आपला आवाज कट झाला होता प्लीज. हा 27 चा हा जो पंचनामा येतो हो हो सर आपल्याकडे, हा 27 चा हा जो पंचनामा येतो त्या पंचनाम्याला सेक्शन 162 च स्टेटमेंट म्हणून आपल्याला ट्रीट करता येईल का? 162 मध्ये 161 ही प्रोसिजर ऑफ रेकॉर्डिंग स्टेटमेंट, 162 इज यूज ऑफ द स्टेटमेंट. इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ द स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. टू दॅट 27 अगेन इज एन एक्सेप्शन. हा एक्सेप्शन आहे, 27 सेक्शन मध्ये दिलेला आहे 162 च्या. हा नाही पण त्याच्यामध्ये आपण फॅक्ट अँड इश्यूज वर कलेक्ट करतो तो इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो एव्हिडन्स, बरोबर, अँड अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन रिसिव्ह फ्रॉम अक्यूज यू वॉज प्रिपेअर्ड पंचनामा अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट. त्याचा एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट आहे की जे इन्फॉर्मेशन त्याला रिसिव्ह झालंय आरोपीकडनं, कॅन इट बी ट्रीटेड ऍज अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी. आय वुड से दॅट इट इज अक्यूज बीइंग नॉट बीइंग अ विटनेस ऑफ प्रोसिक्युशन, दो ही इज अ पर्सन अक्वेंटेड विथ फॅक्ट्स अँड सर्कमस्टन्सेस ऑफ द केस. पण 162 जो आहे तो प्रोसिक्युशनच्या विटनेस असताना काय त्याचा वापर आहे त्या संबंधीचा आहे 162. त्याचे दोन पार्ट आहेत 27 चे. अनदर पार्ट बी ट्रीटेड ऍज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, बट फर्दर पार्ट जो आहे पहिला हो, पण तो प्रोसिक्युशन विटनेस नाहीये ना. नाही जरी आरोपीचं जरी समजा त्यात होस्टाईलचा प्रॉब्लेम येतो आपल्याला, बरोबर, हा विटनेसेस होस्टाईल होतात त्याच्यामध्ये हे तर त्रिवार सत्य आहे, परंतु तो भाग जो फर्स्ट पार्ट की जी इन्फॉर्मेशन रिसिव्ह झाली आरोपीकडनं इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरला, इट कॅन बी प्रूव्ड फ्रॉम द माउथ ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऍट द टाइम ऑफ एव्हिडन्स. डेफिनेटली असं होऊ शकेल का? म्हणजे माझ्या मनात माझा मनातला प्रश्न आहे. हा येस येस, अगदी त्याचा तो त्यातला जो ऍडमिसिबल पोर्शन आहे डिपोस्ट 145 सेक्शन मध्ये जे आहे, 27 सेक्शन मध्ये जे आहे 27 एव्हिडन्स आहे त्यात डिपोस्ट आहे, म्हणजे ते डिपोज केलं पाहिजे की आयोगाने सांगितलं पाहिजे की हा माणूस माझ्या कस्टडीत असताना याने असे असे सांगितले विच लेड मी टू द डिस्कवरी. That can be proved. ते डिपोज केलं पाहिजे, पिंजऱ्यात येऊन त्याने ते बोललं पाहिजे. हा हा म्हणजे
हा म्हणजे प्रोसिक्युटरचा हा रोल येऊ शकतो कोर्टामध्ये की जरी सुद्धा त्याचे परिस देखील हा टेक्निकल पार्ट जो आहे तो प्रोसिक्युटरने प्रूव्ह करून घेतला पाहिजे कोर्टा पुढे. इज इट करेक्ट? नक्की नक्की बरोबर आहे, एकदम बरोबर सर, एकदम बरोबर. बिकॉज म्हटल्यावर क्वेश्चनिंग आलंच आणि क्वेश्चनिंग म्हटल्यावर प्रोसिक्युटरची ड्युटी आली. येस, थँक्यू सर, थँक्यू सर. येस प्रश्न संपले. हा कारण ते पाच, कारण ते इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट सेक्शन 5. ओके 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 ओके, थँक्यू थँक्यू सर. अजून कोणाचे प्रश्न आहेत का? ओके, राहुल चिंचवले. राहुल अनम्यूट करा आणि वोट ऑफ थँक्स करा आजचं. हॅलो सर्वांचे नमस्कार, सर्वांना नमस्कार. आज प्रोसिक्युशन ई लर्निंग लेक्चर या आपल्या ई लर्निंग लेक्चरच्या मध्ये माननीय श्री बिपिनजी शिंगाडा साहेब, सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता धुळे, हे आपल्या विनंतीला मान देऊन वेळात वेळ काढून फौजदारी प्रकरणातील भारतीय पुरावा कायद्यातील ज्या आपल्याला अडचणी येत आहेत दिवसेंदिवस प्रोसिक्युटरला किंवा न्यायदान आपल्याला महत्वपूर्ण मार्गदर्शन केलेलं आहे त्याबद्दल माननीय सरांचे मी आपल्या सर्वांतर्फे आभार व्यक्त करतो. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील, उच्च न्यायालयाचे वकील, न्यायाधीश वकील वर्ग, तसेच आपले प्रोसिक्युटर्स हे सर्वजण उपस्थित राहून आपले मार्गदर्शन त्यांनी घेतलेले आहे. आणि श्री गोपीचंद खाडे यांनी तांत्रिक बाजू सांभाळलेली आहे, तर त्यांचे सर्वांचे मी आपल्या सर्वांतर्फे आभार मानतो आणि मला आभार प्रदर्शन करण्यासाठी संधी दिली त्याबाबत देखील मी आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. थँक्यू 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 सर, थँक्यू एव्हरीवन. उद्या आपण पुन्हा 4 वाजता भेटूयात. थँक्यू सर.